हेलो एवरीवन, आई एम पूर्णिमा सिंह। वेलकम टू पूर्णिमा सुपर किचन। आज हम बनाएंगे वेरी डिलीशियस एंड यमी मैंगो चीज केक। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 300 ग्राम क्रीम चीज लिया है। इसे मैंने पहले ही बनाना बताया था, जिससे आपको चीज केक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और जिलेटिन चाहिए होगा, जिलेटिन पाउडर है, वेज पाउडर होता है, ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है। दही चाहिए होगा, मेल्टेड बटर लिया है मैंने, पिसी हुई चीनी ली है, पानी चाहिए होगा एंड मैंगो पीसेस लिए हैं डेकोरेट करने के लिए, मैंगो प्यूरी बनाने के लिए आम लिया है मैंने, और 25 मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं। इस तरह का मोल्ड चाहिए होगा। मिक्सर जार लेंगे, उसमें बिस्किट तोड़ के डालेंगे। अब इसे पीस लेंगे। बिस्किट को मैंने चूरा कर लिया है। अब इसमें मेल्टेड बटर डालेंगे, 60 ग्राम बटर डाल लिया है मैंने। अब इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब इसे मोल्ड में डालेंगे। मोल्ड में पहले बटर डालेंगे। बटर हम इसलिए लगाते हैं जिससे केक निकालने में आसानी होगी। ये सारा बिस्कुट मिश्रण मैंने डाल लिया है। ये अच्छे से मैंने इस पूरे मोल्ड में फैला दिया है, अच्छे से प्रेस करके। हम जिलेटिन घोल लेंगे। इसके लिए मैंने एक बोल में 5 ग्राम जिलेटिन पाउडर चाहिए होगा। 30 ml कोल्ड वाटर डाल लेंगे। इसे घोल के रख देंगे। अब हम मैंगो प्यूरी बना लेते हैं। ये मैंगो प्यूरी रेडी हो चुकी है। अब 300 ग्राम क्रीम चीज एक बोल में डालेंगे। 70 ग्राम शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। शुगर अच्छे से घुल चुकी है। अब इसमें योगर्ट डालेंगे, 60 ग्राम योगर्ट मिक्स करेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम जिलेटिन को 20 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो आप गैस पे भी गर्म कर सकते हैं, हल्का सा गर्म करना होगा। जिलेटिन अच्छे से घुल गया है, इसमें मिक्स हो गया है। अब इसे ऐड कर देंगे चीज केक मिश्रण में। ठंडा करके ऐड करें। 1 घंटे बाद मैंने फ्रिज से मोल्ड को निकाल लिया है। इसमें बिस्किट अच्छे से सेट हो चुका है। आप इसको धीरे से पोर कर देंगे क्रीम चीज मिश्रण। थोड़ा सा टैप करेंगे जिससे मिक्सचर अच्छे से पूरी तरफ मोल्ड में फैल जाए। अब इसे फ्रीजर में रख देंगे 3 घंटे के लिए। अब हम चीज केक की टॉपिंग बना लेंगे। इसके लिए मैं जिलेटिन ले रही हूँ। 8 ग्राम जिलेटिन चाहिए होगा। इसमें 40 ग्राम कोल्ड वाटर डालेंगे और इसे छोड़ दें। अब एक पैन में 50 ml पानी लेंगे। आप कंफ्यूज मत होइएगा, 50 ml पानी हमें पैन चाहिए और 40 ml पानी हमें जिलेटिन में डालने के लिए चाहिए होगा। पानी बॉयल होने लगा है। अब इसमें 200 ग्राम मैंगो प्यूरी डाल लेंगे। कंटिन्यूसली चलाइए। 30 ग्राम शुगर ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे। पांच मिनट बाद ही ये देखिए जिलेटिन कितना अच्छा फूल गया है, सोक कर लिया है पूरा पानी। अब इसको माइक्रोवेव में रखेंगे 20 सेकेंड्स के लिए। इसमें शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसे गैस से उतार लेंगे। अब इसमें मेल्टेड जिलेटिन वाटर ऐड करेंगे। 1 घंटे बाद मोल्ड को बाहर निकालेंगे। ये थोड़ा सा सेट हो गया है। अब इसके ऊपर मैंगो प्यूरी और जेली वाला मिक्सचर डालेंगे। इसमें मैंने जिलेटिन मिक्स कर लिया है। अब इसे मोल्ड में ऊपर डाल देंगे, टॉपिंग कर देंगे। मोल्ड को मैंने ऊपर तक भर दिया है। अब इसे 3 घंटे के लिए सेट करेंगे फ्रीजर में।
अब ये जो मैंगो जेली मिक्सचर बच गया, अब इस तरह के मोल्ड्स में मैंगो जेली भर देंगे। अब इसे भी फ्रीजर में जमने के लिए छोड़ देंगे। 2.5 घंटे हो चुके हैं, चीज केक पूरी तरह से रेडी हो गया है, जम गया है। अब इसे डेकोरेट करते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, मैं डेकोरेट करके दिखाऊंगी। जिस पैन में मैंने मैंगो प्यूरी एंड जिलेटिन का मिक्सचर बनाया था, उसी पैन में 50 ग्राम पानी मैंने और डाल दिया है। उसमें मैंगो जेली का थोड़ा सा मिक्सचर रह गया था, इसलिए येलो कलर आ गया है अच्छा सा। अब इसमें थोड़ी सी 25 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। ये शुगर सिरप बना रहे हैं हम, उसके ऊपर डालने के लिए डेकोरेट करने के बाद हम डालेंगे, जिसे हम जो भी चीज़ डेकोरेट करने में लगाएंगे वो निकलेगा नहीं। शुगर सिरप में शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, ये बबल से दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये रेडी हो गया है। अब इसमें जिलेटिन और वाटर का मिक्सचर जो मैंने बना के रखा है वो डालेंगे। 8 ग्राम जिलेटिन और 40 ग्राम मैंने पानी का मिक्सचर बनाया था। गैस ऑफ करने के बाद हम जिलेटिन मिक्सचर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम केक के ऊपर डालेंगे। ये मैंने मैंगो एंड जिलेटिन का मिक्सचर मोल्ड्स में डाला था, अब इन्हें भी निकालेंगे, नीचे डेकोरेट करना है हमें। इस तरह से हमें रख देना है केक के ऊपर। अब इस तरह से हम फ्लावर्स से डेकोरेट करेंगे। सभी फ्लावर्स मैंने अरेंज कर दिए हैं, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब इसके ऊपर सिरप जो मैंने बनाया था शुगर और पानी का, वो डाल लेंगे, धीरे से डालेंगे, इससे फ्लावर्स चिपक जाएंगे, निकलेंगे नहीं। अब इसे आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। आधे घंटे बाद मैंगो चीज केक बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। ये देखिए केक हमारा कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी एंड यमी चीज केक रेडी हो गया है। अब एक पीस कट करेंगे। ये देखिए मैंगो चीज केक कितना सुंदर दिख रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे ऐसे ही अच्छे से वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगे। और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।